आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, घर बैठे अब नाटक देखो, घर बैठे अब नाटक देखो, नाटक देखो नाटक देखो, देश को बदलो सोच को बदलो, नेटफ्लिक्स देखा क्राइम देखा बढ़ता हुआ क्राइम देखा, आओ अब ये भी देखो, घर बैठे नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, फिर ये मंडली आई है, देश लाई है, जनहित में बदलाव लाने नया सिखाने आई है, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, खड़े हैं जो बैठ जाओ, नाटक आनंद घर वालों को भी दिखाओ, सब मिलके जागरूकता फैलाओ, आओ आओ नाटक देखो, घर बैठे सब नाटक देखो, दिवाली का त्योहार मनाए, कोरोना को भी ध्यान मिलाए, मिट्टी का हम दिया जाए, प्लास्टिक सामान ना ले आए, भूखे को खाना खिलाए, गरीबों को कपड़े दान दे आए, पानी का बचाव करे, बनाना भी प्रयोग में लाए, सबका हम मान बढ़ाए, साथ मिलकर काम कराए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, देश को दिवाली भाइयों बहनों जागरूक करवाए, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जजमान, वैसे ही इस वर्ष दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो आप सभी से हम निवेदन है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास, जागरूकता, स्वाहा, आहा, तो ले चलते हैं आपको LPU NSS यूनिट के पास, तो लेकर आइए आपके समक्ष, आपके आगे, आपके स्क्रीन पर घर बैठे नाटक, जिसका शीर्षक है रोशनी रोशनी रोशनी, आओ आओ नाटक देखो। अरे ओ संता, बोल बंता, हम आज यहाँ क्या दिखाने आए हैं? हम यहाँ आज घर बैठे नाटक करने वाले हैं। घर बैठे नाटक, ये क्या होता है? हाँ, घर बैठे नाटक, ये क्या होता है? नुक्कड़ नाटक तो सुना है। हाँ, ये अलग है और अभी इसी का तो चलन है। चला, देखता हूँ। तो आप, दिखाता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, तुम जय बोलो जय, भारत माता की जय। स्वागत है आपका भारत माता के उस देश में, जहाँ दिवाली के प्रदूषित पटाखों ने कर रखा है सांस लेना तक हराम। तो आइए ले चलते हैं आपको भारत माता के उस देश में, जहाँ पटाखे फोड़कर ही दिवाली मनाना लोगों का उद्देश्य है। अरे मम्मी, कहाँ हो? बोल ना लायक, क्या काम है? दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ने का कि नहीं? हाँ फोड़ने हैं, क्यों नहीं फोड़ने? तो दुकान घर बुलाओ या दुकान चलोगी भी? हाँ चल चल, पता नहीं कहाँ से सीख कर आता है। अरे वाह वाह वाह, क्या दुकान सजी है, मिठाई की खुशबू और पटाखे। मम्मी मम्मी देखो, बहुत पटाखे पटाखे। हाँ चल चल, नाक में दम कर रखा है, पता नहीं अबकी बार कितना उड़ेगा ये धुआं। अंकल अंकल, ये वाले पटाखे दिखाओ ना। रुको, जब तक मास्क नहीं तब तक कोई सामान नहीं। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ, दहाड़ क्यों रहा है जंगली? हा हा हा, मैं कोरोना हूँ, मैं राक्षस हूँ, पूरी धरती पे फैला हुआ हूँ, मैं राक्षस हूँ, जो किसी से हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, मैं उसको अपने गले लगा लूंगा, मैं राक्षस हूँ, मुझे मारने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं COVID-19 हूँ, मैं राक्षस हूँ। हाँ हाँ रुक रुक,
ये ले मास्क और पटाखे। मैं पटाखे लाया, पटाखे लाया, अब मैं ये पटाखे फोड़ूंगा। मेरे पास भी है, मैं भी फोड़ूंगा। आजा आजा। नहीं, कोरोना। मम्मी मम्मी मम्मी, मास्क मास्क दो जल्दी। मैं हूँ पटाखा, मेरा और माचिस का गहरा है नाता। मैं हूँ बम का गोला, करती हूँ शोला शोला। मेरे हैं इतने रूप, अनार फुलझड़ी चक्री। बच्चों को हूँ मैं भाती, और बड़ों को हूँ मैं डराती, और वातावरण को नुकसान हूँ पहुँचाती। इसलिए मुझसे बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अबे ओ, चल लगा बत्ती, मार सीटी। हाँ लगा लगा लगा। आंटी मम्मी भागो, जल गया पटाखे। हत्या नहीं, आत्महत्या। ये हम और आप जैसे समझदार और शाली लोगों द्वारा की गई हत्या। दिवाली का त्योहार ऐसा प्रतीत होता है कि पटाखे जलाना बच्चों का खेल और अपनी जान जोखिम में डालना मकसद बन गया है। भाइयों बहनों, मित्रों, कोरोना से बचें, घर से निकलते समय SMS याद रखें। SMS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। अशुद्ध आत्मा दिल है काला, सब चलता है। धुआं फैल रहा है, तो चलता है। प्लास्टिक जल रहा है, तो चलता है। कोरोना में भीड़ हो रहा है, सब चलता है। इस देश में भाई और बहनों जैसे कि सब चलता है, सब चलता है। अरे ये हो गया, सब चलता है। अरे वो हो गया, तो चलता है। अरे भाइयों और बहनों, हमारे देश में सब कुछ क्यों चलता है, क्यों चलता है? तो आइए ले चलते हैं आपको भारत माता के उस देश में जहाँ परिस्थितियाँ खराब होने के बावजूद सब चलता है, सब चलता है। अरे ओ मन्नू, आज हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करना मतलब, आज दिवाली है, पटाखे फोड़ने आए हैं। अरे हाँ, चल चल फोड़ते हैं पटाखे। पटाखा फोड़ोगे? मैं धुआं बनकर तुम्हारे रूह में रहूंगा, तुम्हारे फेफड़ों का सत्यानाश और तुम्हारा सांस लेना नामुमकिन कर दूंगा। मैं धुआं हूँ, धुआं। चुन्नू, मुन्नू, मेरे को डर लग रहा है। मेरे को भी डर लग रहा है, मेरे को 99 नॉट आउट रहना है। हाँ, मेरे को तो 999 नॉट आउट। मैं आज के बाद कभी पटाखे नहीं फोड़ूंगा और उसकी धुआं कभी अपनी रूह तक भी नहीं आने दूंगा। हाँ, मैं भी अब से इको फ्रेंडली दिवाली ही मनाऊंगा। हाँ सही एकदम, मैं भी लोगों को बताऊंगा और उनसे भी करवाऊंगा। हाँ कुरकुरे, आज यही खाता हूँ। अब हो गई पेट पूजा, इसको नीचे डालकर लेता हूँ दूजा। नीचे डालकर? अरे बेवकूफ, इसे नीचे नहीं, अपनी जेब में डाल, या तो कूड़ेदान में डाल। मैं तो इसे अब नीचे ही डालूंगा और दबा भी डालूंगा। नालायक, अगर इसे नीचे डालेगा तो ये प्लास्टिक जमीन को बंजर बना देगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। हा हा हा, मैं प्लास्टिक हूँ, मैं राक्षस हूँ, तुम सबका भक्षक, और ये धरती है, ये बिल्कुल सही है, तुम मुझे जमीन में दबाओगे तो। क्षमा धरती माँ, क्षमा, आज के बाद एक भी प्लास्टिक ना ही जमीन में डालूंगा ना ही दबाऊंगा। तो देखा आपने कैसे एक आम आदमी प्लास्टिक को नीचे फेंकने से क्षमा मांगने पर मजबूर हो गया। आत्मनिर्भर बनना नीड है, कोरोना की अलग जीत है, इकट्ठा होना भीड़ है, मास्क पहनना डीड है। तो तभी भाइयों और बहनों अपनी जीत है। स्वागत है आपका भारत माता के उस देश में जहां लोग बाजारों से प्लास्टिक लाइट तो ले आते हैं लेकिन घर में रखे हुए दिए का उपयोग कोई नहीं करता। तो लीजिए, हम आपको ले जाते हैं भारत माता के उस देश में जहां पुराने वस्तुओं का कोई दार ही नहीं है। अजी बहन सुनती हो, दिवाली आ रही है, चलो मिलकर दिए बनाए, पेपर कप के लालटेन बनाए।
क्या दिए, लांटेन, ये क्या होता है? मैं तो ना वो चमकीली चमकीली प्लास्टिक वाली लाइट लाऊंगी, आजकल उसी का तो फैशन है। तो देखा आप सबने कैसे हमारी देश की परंपरा विलुप्त होती जा रही है। अरे यार बोर हो गए, चलो कुछ मस्ती करे। आओ पेपर की कश्तियां उड़ाए, आओ पेपर की कश्तियां उड़ाए। क्या कश्तियां? वो भी पेपर की? ना बाबा ना, तुझे पता है कि? अरे चल चल पका मत। तो देखा आपने कैसे एक सही सलाह देने वाला लड़का किस तरह से चुप करवा दिया। मम्मी फिर से कूड़ा, कितनी बार बोला है आपको एक कतर फेंक दो बेकार कपड़े। ज्यादा नहीं बोलेगा, ये कूड़ा नहीं यही कतर है जिससे तेरा कंप्यूटर साफ करती हूँ, इससे न जाने क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ये तुम्हारे लिए कूड़ा है लेकिन। बस यार मम्मी, क्या आपकी भाषा ना रोज तंग हो गया। देखा आपने किस तरह एक कपड़े को दोबारा यूज करती माँ को रोका गया। तो आइए देखते हैं अगर हर इंसान फिर से अपनी सभ्यता को समझे तो क्या होगा। छी छोड़ इसे, कितना गंदा हो गया है तू। नहीं मम्मी, यही तो मेरा देश है, प्लास्टिक की लाइट जलाऊंगा तो प्लास्टिक को बढ़ावा दूंगा, दिए को, पेपर कप की लालटेन को भी हम उसी तरह अच्छे से सजा सकते हैं। भाई तू सही कहता है, हम हजार रुपए खर्च कर देते हैं दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड देने में जिससे हमें कुछ सीखने को भी नहीं मिलता। अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि हम यूज्ड पेपर को दोबारा रिसाइकल करके उससे तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। आओ बहन आओ, चलो पुराने कपड़ों की नई चीजें तलाश कर बनाएं। अरे देखो देखो ये अच्छा है। माँ मेरे को माफ कर दो। बेटा ना, तू तो अब मार्केट जा, वहीं से शॉपिंग कर। मैं कोरोना हूँ, मैं राक्षस हूँ, तुम सबका भक्षक। अगर तुम और तुम 10-10 घंटे शॉपिंग करने जाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हें कोरोना पॉजिटिव बना दूंगा। आ, हा, हा, मैं कोरोना हूँ, मैं राक्षस हूँ। मम्मी कोरोना तो राक्षस है, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, नई शॉपिंग करने जाऊंगा। माँ मैं नई चीजों का आदी हो गया था, पुरानी चीज की ना मुझे समझ रही थी और ना ही पसंद आने लगी थी। अब मैं उनका प्रयोग कभी नहीं करूंगा और पुरानी कतर के नए बहुत अच्छे कपड़े बनाऊंगा और उन्हें पहनूंगा भी। मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरे में अब अकल आ चुकी है। तो देखा आप सबने इस कोरोना काल में भी लोग बाहर जाकर सामान खरीदने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये एहसास भी नहीं कि अगर गलती से भी ये कोरोना वायरस उन तक पहुंच जाए तो ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा ला सकता है। तो इसलिए पुराने रखे कपड़ों को नया जीवन दे, मिट्टी के दिए, बेकार पेपर को रिसाइकल करें और उन्हें आकर्षित बनाएं और ये दिवाली कोरोना डेंजर फ्री बनाएं। कोरोना योद्धाओं के हौसलों को आओ मिलकर और बढ़ाते हैं, सहयोग समर्पण दृढ़ विश्वास से कोरोना को हराते हैं।